तो गाइस यार ये है मैरी चोल और यहाँ पर मेरी सपनों की रानी एमी जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ वो असल में शादी करने वाली है। किससे? क्रिस्टल वेनम से, क्योंकि एमी को क्रिस्टल की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। एमी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे भी तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो क्योंकि तुम पूरे के पूरे क्रिस्टल के जो बने हुए हो। आई लव यू वेनम। और गाइस यार ये हूं मैं जो एमी के पीछे पागल हूं। पर गाइस यार यहां पर एमी मुझे धोखा दे रही है, वो किसी और से शादी कर रही है। एमी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एमी रुको प्लीज। अरे सोनिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमी मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें भी पता है, पर तुम शादी ना करके इससे शादी कर रही हो। अरे सोनिक ये क्रिस्टल का बना हुआ है और तुम ऐसे ही हो खटारा। मुझे क्रिस्टल की चीजें पसंद है इसलिए मैं तुमसे नहीं कर सकती शादी। अरे चल लकड़बग्गे, समझ नहीं आ रहा भगिया से, वो मुझसे प्यार करती है। ओके तो गाइस यार मैं भी अपने आप को एक क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड करूंगा जिससे मैं अपनी एमी को वापस पा सकूं। चलो गाइस यार अपने आप को अपग्रेड करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस यार क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड होने के लिए मुझे क्रिस्टल चाहिए, तो मैं आ चुका हूं क्रिस्टल की गुफा के अंदर। तो गाइस यार यहां पर असल में क्रिस्टल्स मिलते हैं, बस प्रॉब्लम ये गुफा बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहां पर अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं है यार। अबे मैंने सुना था यहां बिल्कुल रोशनी नहीं है, पर यहां पर तो बहुत ज्यादा रोशनी, पता नहीं क्या अजीब सी चीजें चमक रही है यार। ये क्रिस्टल तो नहीं है, नहीं यार क्रिस्टल तो रेड होता है, ये कुछ और है। चलो अंदर चलते हैं जल्दी सी। ओके भाई सब दिखाई दिया क्या तुम्हें? ओए देखो वहां सामने कुछ तो है रेड रेड कलर का। ओए हाँ ये तो एक क्रिस्टल है यार, फाइनली मुझे एक क्रिस्टल मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था। भाई ये तो काफी बड़ा क्रिस्टल है यार। अबे ये आदमी कौन है? लगता है ये इस क्रिस्टल को लेने आया था और ये यहां पर मर चुका है। चलो गाइस यार यही मौका है मेरे पास क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड होने का, लेट्स अपग्रेड। ओ ये देखो गाइस यार हम लोग एक क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड हो चुके हैं, पर मैं अभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ कि यार वेनम की जगह वो मुझसे शादी करे, इसलिए मेरे को अपने आप को और भी ज्यादा खतरनाक क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यार फिलहाल हम लोग एक क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड हो चुके, पर मुझे इससे ज्यादा खतरनाक क्रिस्टल सोनिक के अंदर अपग्रेड होना होगा, लेट्स गो। तो गाइस यार नेक्स्ट क्रिस्टल मुझे मिल रहा है मिलिट्री बेस के अंदर। हे भाई कहां पर क्रिस्टल? अरे यार मेरी बात सुनो, असल में रशिया वालों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, पर प्रॉब्लम ये है किसी पागल ने हमारे पूरे एयरपोर्ट के ऊपर इतनी सारी चीजें खड़ी कर दिया, इनको जल्दी से हटाना पड़ेगा। पर अगर मैं क्रेन लेके आता हूँ तो उसमें कम से कम एक घंटा लगेगा, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इन सभी के सभी चीजों को यहाँ से हटा दो एयरपोर्ट पे से, जिससे मैं यहाँ से उड़ के जा सकूँ रशिया के ऊपर हमला करने के लिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मिलिट्री का वो क्रिस्टल दूंगा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्या बोलता, करेगा क्या तुम मेरे लिए? ओके तो गाइस यार मुझे यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर प्लेन उठा उठा के फेंकने दूसरी साइड, क्योंकि यार इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है एयरपोर्ट का। इनको जल्दी जल्दी उठा के फेंक देता हूँ और जैसे ही मैं रास्ता क्लियर करूंगा मेरे को मिलने वाला है लॉस सैंटोस के मिलिट्री का सबसे खतरनाक क्रिस्टल जो बहुत ज्यादा फेमस है। अब ये तो उड़ी गया मेरे हिसाब से, पता नहीं। अबे यार कितने बड़े बड़े जेट प्लेन्स हैं यहाँ पर यार, पता नहीं कौन पागल है जिसने यहाँ पर खड़ा कर दिए। पर ये टूटेंगे नहीं क्योंकि मैं इनको इजिली फेंक रहा हूँ, और ये उड़ के देखो कितनी सेक्सी तरीके से जा रहे हैं, मस्त तरीके से जा रहे हैं भाई बिल्कुल। चलो गाइस इसको भी उठाते हैं, ये हमने इसको उठा लिया और ये भी इसको हमने फेंक दिया, ये गया उड़ के। और ये फट जाएगा क्या? और ये तो फट गया भाई। ओए यहाँ पर सामने एक और प्लेन है और ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा प्लेन है और ये भी हमने उड़ा दिया हवा में। ओए ये देखो वो तो हवा में उड़ गया भाई। चलो गाइस यार अब हम लोग चलते हैं जल्दी से, ये वाला उड़ रहा है, क्रैश होगा, पता ही नहीं क्या होने वाला है, छोड़ो। ओ ये देखो ये रहा क्रिस्टल। अरे यार तुमने सारे के सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को हटा दिया, शुक्रिया, ये ला तुम्हारा क्रिस्टल। चलो गाइस ये देखो भाई साहब मैं बन चुका हूँ एक बफ सोनिक क्रिस्टल के अंदर अपग्रेड हो चुके हम लोग। यार फिलहाल चलो यार और क्रिस्टल ढूंढते हैं, लेट्स गो। तो फिलहाल गाइस यार हम लोग आज के यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर। ओए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे अरे मित्र मदद कर यार मेरी। क्या चाहिए भाई तुझे? अरे यार मेरे दोस्त हमें पार्टी करनी है खतरनाक वाली, पर वो पार्टी हम यहाँ नहीं करेंगे, हमें वहाँ लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट चिलियाड के ऊपर पार्टी करनी है। पर यार प्रॉब्लम ये है मेरा ट्रक खराब हो गया। अरे तुम्हारा कितना घटिया ट्रक है जो ऊपर हमें लेके भी नहीं जा सकता है, हम तो पार्टी करने वाले थे, मस्त वाली देख देख पार्टी। अगर तुम इन सभी कंटेनर्स को उठा के वहाँ माउंट चिलियाड के ऊपर रखे आते हो तो मैं तुम्हें खतरनाक वाला क्रिस्टल दूंगा, वहाँ पर माउंट चिलियाड की चोटी के ऊपर रख के आने हैं। अरे जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, पहले ही बता रहे हैं। अरे यार दोस्त तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, अगर ये लड़कियाँ चली गई तो मैं तुम्हें क्रिस्टल नहीं दूंगा, आया बात समझ तुम्हें? ओके तो चलो गाइस यार मुझे यहाँ पर ये कंटेनर उठा के वहाँ लेके जाने हैं। मेरे को लगता है इसके अंदर असल में इनकी पार्टी का सामान होगा, इसके अंदर पेप्सी वेप्सी और भाई मस्त मस्त चीजें होगी यार जो पार्टी में यूज करते हैं। तो फिलहाल यार मैंने इसको अपने सर के ऊपर रख लिया और ये हम लोग चले। वो भाई साहब ये देख रहे हो यार जैसे जैसे मैं अपग्रेड होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे को खतरनाक खतरनाक पावर्स मिलते जा रहे हैं। ये देख उतरी
की। ओए तुम लोगों ने देखा मैं कैसे पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था यार, देख रहे हो मैं तो बंदर से भी ज्यादा फास्ट चढ़ रहा था यार। तो ये देखो भाई साहब, बस हम लोग पहुंचने वाले, हमारी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर मैं चुटकियों में चढ़ गया। भाई इस पे चढ़ने में पता है कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं और तुम्हारे भाई मात्र 5-6 सेकंड के अंदर चढ़ गया। तो चलो यार हम लोग यहाँ पर टॉप पर आ चुके हैं, अब मेरे को बस इस कंटेनर को यहाँ पर रखना है। ओके यार तुम लोग यहाँ पर बोर ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी तीनों कंटेनर्स को उठा के यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। हमने तीनों कंटेनर्स को यहाँ पर रख दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मेरे को उन बंदों को भी लेके आना है क्योंकि उनकी गाड़ी खराब है। अगर इतनी देर में वो ऊपर आएंगे इनकी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है और बर्फ है जो भी इन कंटेनर्स के अंदर, वो सारी चीजें खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे को जाके इन लोगों को भी उठा के लेके आना है। और मेरी पावर्स इतनी ज्यादा ओपी हो चुकी है और भी ज्यादा अपग्रेड होने वाली यार, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो असल में यहाँ पर फॉरेस्ट का मालिक है। जिसका फॉरेस्ट है उसके अंदर उसे क्रिस्टल मिला था, ये क्रिस्टल अब मुझे देने वाला है। अरे यार चलो चलो अब जल्दी से एक काम करो, हम तीनों को उठा के मतलब इस गाड़ी को उठा के यार माउंट चिलियाड की चोटी पे छोड़ दिया, उसके बाद मैं तुम्हें क्रिस्टल दूंगा। ओके तो गाइस यार सारी लड़कियां इस गाड़ी के अंदर बैठी और साथ में ये आदमी भी इसके अंदर ही बैठा है। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे यार तू तो बहुत ऊंची जंप लगाता है सैमी। अरे बस मेरी सुपर पावर से ये देखो भाई कैसे हवा में उड़ता जा रहा है तुम्हारा भाई, कूल तरीके से, मजा आ रहा है तुम लोगों को? अरे ये तो बहुत डेंजरस है। अरे डेंजरस किस बात का यार, मेरे को कोई उठा के लेके जाए, मुझे मजा हो रहा है। अरे चलो बस पहुंचने वाले। अरे लड़कियों तुम लोग तैयार हो जाओ, पार्टी करने वाले हम लोग खतरनाक वाले। हाँ बस 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 थोड़ा सा और, ये लास्ट जंप लगाई और ये हम लोग आ गए। वो रे देखो तुम्हारे तीनों कंटेनर्स। अरे यार तीनों कंटेनर्स एकदम सही तरीके से रखे हुए हैं। चलो अब भाई तेरी आवाज अजीब थोड़ी है। ओ ये क्या शिट, मैंने इनको फेंक दिया था। ठीक हो ना अब तुम लोग सभी के सभी? अरे हाँ हम सब लोग सही है। अरे उतरो यार जल्दी से गाड़ी में से। हाँ तो तुमने मेरी मदद करी और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने वादा किया मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो ये है फॉरेस्ट का क्रिस्टल जो मुझे मिला था। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मुझे फॉरेस्ट का क्रिस्टल मिल गया, लेट्स अपग्रेड। ये देखो भाई साहब मैं और भी खतरनाक वाले डायनो ये नहीं, हाँ इसकी पूछ है, मैं अब एक खतरनाक वाले डायनोसोनिक के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ। मदद करो मदद करो, कोई मेरी मदद करो, ये शार्क ने मेरा क्रिस्टल छीन लिया, कोई तो मदद करो, इस शार्क के पास मेरा खतरनाक वाला क्रिस्टल है। ओके ओके आया आया, 2 मिनट रुक बस पहुंच गया। ओए मेरी मदद कर यार, उसने मेरा क्रिस्टल छीन लिया मुझसे, प्लीज मदद कर। चलो गाइस यार चलते हैं पानी के अंदर, देख रहे हो वहां पर वो शार्क है और उसके पास यार वो क्रिस्टल है यार जो मुझे चाहिए। भाई साहब कितना बड़ा क्रिस्टल है सेमी इसके पास, इसको अगर मैं टच कर लूं तो मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। अबे पर ये जा कहां रही है यार, अगर ये ऐसी जाती रहेगी और ये अगर पानी के अंदर चली गई तो मैं भाई कभी भी अपग्रेड नहीं हो पाऊंगा और कभी भी एमी वापस मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी क्योंकि उसे क्रिस्टल पसंद है यार। चलो गाइस यार मैं तैरते इसके पास आ चुका हूं, बस ये शार्क पानी के अंदर ना घुस जाए। रुमाल इतनी बड़ी शार्क है ये भाई, ये मेरे को खा गई तो एहतियात बरतनी पड़ेगी। चलो पास आ गया इसके, मैं लेट्स अपग्रेड। चलो गाइस यार हम लोगों ने इसका क्रिस्टल तो ले लिया है, पर यार ये शार्क सेमी बहुत ज्यादा बड़ी थी भाई, मेरी पैंट फट गई थी यार। चलो निकलते हैं वापस यहां से जल्दी से। अबे ये क्या भाई, मैं अपग्रेड हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्रिस्टल को टच कर लिया था। और ये देखो मैं कितनी खतरनाक वाली सोनिक शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका हूं। भाई ये वाली शार्क तो काफी कमाल की है, मैं भी एक सोनिक शार्क क्रिस्टल के अंदर अपग्रेड हो चुका हूं। भाई ये तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है भाई सेमी। ओ भाई ये देखो हमारी स्पीड देख रहे हो कितनी ज्यादा ओपी हो चुकी है, मैं कितनी ज्यादा तेज दौड़ पा रहा हूं। पावर देखो मेरी, ये भाई कितना कूल है यार सब कुछ। चलो यार अभी मेरे को एक और क्रिस्टल चाहिए होगा जिससे मैं अपने अल्टीमेट रूप में अपग्रेड हो पाऊंगा। चलो यार उसके लिए हम दूसरा क्रिस्टल ढूंढते हैं जल्दी से जाके। तो गाइस यार ये देखो यहाँ पर एक एक शोरूम है और इसके शोरूम के अंदर एक खतरनाक वाली गाड़ी है। मेरे शोरूम के अंदर एक ऐसी क्रिस्टल कार है, मेरे शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा पास है। मैं किसी परिंदे को भी मेरे क्रिस्टल कार के पास नहीं आने देता, मेरी क्रिस्टल कार पूरी $100 मिलियन की है न कमाल की। तो गाइस यार जैसा आप लोगों ने सुनी लिया होगा इस शोरूम के अंदर एक खतरनाक वाली क्रिस्टल कार है जिस गाड़ी के ऊपर क्रिस्टल लगा हुआ है। अगर मेरे को वो वाला क्रिस्टल मिल जाता है तो हम लोग अपग्रेड हो सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है भाई इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा मेरे को कैसे ना कैसे करके। भाई क्या करूं समझ नहीं आ रहा है यार कैसे इसका ध्यान भटकाऊं, तुम लोगों के दिमाग में कोई आइडिया? चलो यार समुद्र के अंदर चलते हैं, फिलहाल दिमाग में कुछ पानी घुसेगा जब जब कोई आइडिया आएगा। तो भाई साहब मैं अभी यहां पर दिमाग लगा के आया हूं और मेरे को एक आइडिया ये आया है कि मैं इसके पीछे रास्ते से जाने वाला हूं। देख रहे हो वो असल में फ्रंट डोर है। ओए ये लड़की कौन है यहां पर? ए क्या खूबसूरत शार्क है,
अरे किस चीज की बनी हो ये तुम? मैं क्रिस्टल का बना हुआ हूँ। काफी ज्यादा सुंदर है सही में। मुझे एक राइड दोगे? हाँ मैं तुम्हें एक राइड जरूर दूंगा, पर अगर तुम मेरी मदद करोगी। बताओ क्या करना है? अगर तुम इस शोरूम के मालिक को अपनी बातों में फंसला लो तो। अरे एक मिनट, अभी जाके कर सकती हूँ ये तुम्हें। चलो गाइस यार, यहाँ पर एक लड़की मिल गई जो मेरी मदद करेगी। अरे कौन है शोरूम का मालिक, मेरे को गाड़ी दिखाओ। हाँ बताओ मैडम जी, क्या गाड़ी चाहिए आपको? अरे एक अच्छी सी गाड़ी दिखा दो जो आपकी सबसे महंगी हो। अरे सबसे महंगी गाड़ी तो आप खरीद नहीं सकती मेरे शोरूम की, पर आप ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक से एक गाड़ियाँ है। ये रेड कलर की देखिए, और ये देखिए जॉइंट इंजन वाली, इसके अंदर V10 लगा हुआ है। अगर आपको इससे पावरफुल गाड़ी चाहिए तो हमारे पास देखो एक रेसिंग कार भी है, ये भी काफी मस्त है। बताओ और कौन सी गाड़ी चाहिए? और ये रूबी कार तो आपकी हैसियत से बाहर है, ये $100 मिलियन की सबसे महंगी गाड़ी है, मेरे पास कोई नहीं खरीद पाया आज तक, तो आप भी नहीं ले पाओगी। अरे ऐसा कैसे बोल रहे तुम, मेरी हैसियत बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। ये वाली ही गाड़ी चाहिए मेरे को। अरे रुको रुको, ये वाली चाहिए। अरे नहीं ये वाली चाहिए। अरे मैडम जी क्या मजाक कर रही हो, आपको हर गाड़ी पसंद आ रही है। अरे ये वाली चाहिए, ये पिकअप ट्रक तो एक नंबर का है, ये वाला गाड़ी एकदम मस्त है। अरे मैडम जी क्या कर रही हो? अरे वाओ ये चुमरी तलैया, आए आए चुमरी तलैया। अरे मैडम जी क्या कर रही हो आप? वाओ क्या डांस कर रही है मैडम जी। अरे मैडम आप तो मस्त डांस कर रही हैं। चलो गाइस यार, यहाँ पर भाई उस लड़की ने उसको अपनी बातों में फिसला के भाई सब दूर ले गई। अब मेरे पास यही मौका है, जल्दी से जाके क्रिस्टल कार को टच करते उसका क्रिस्टल लेता हूँ। लेट्स अपग्रेड। अरे मैडम जी नीचे उतरिए, अभी आपकी गाड़ी नहीं है जो आप इसके ऊपर नाच रही, नीचे उतरिए। चलो यहाँ से निकलो, आपको कोई गाड़ी नहीं खरीदनी थी मेरे शोरूम के अंदर, फालतू में यहाँ पर बकवास कर रही हो। अरे क्या बदतमीजी है ये, मैं आपको अभी निकाल के फेंकता हूँ मेरे शोरूम में से, वापस मत आ जाना वरना गोली मार दूंगा। अरे बड़ा बदतमीज आदमी है सही में। चलो निकलो निकलो, भगो यहाँ से। अरे क्या है, मैं तुम्हें भारी फेंक के आता हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो निकल यहाँ से। अरे क्या चाहते हो तुम मेरे साथ? तुम्हें गाड़ी तो खरीदनी है, आ गई यहाँ पर चिटकोंडी सी, चल तेरे को भारी फेंक देता हूँ। अरे क्या बदतमीजी है ये, आदमी मेरे को कहाँ लेके जा रहे? अरे क्या कर रहे है, पागल है क्या? चल वापिस मत आ जाइए मेरे शोरूम के अंदर। अरे ये क्या, मेरी गाड़ी के पास कोई खड़ा लगता है। ओ ये आ गया, चलो गाइस टच करते हैं, लेट्स अपग्रेड। वाओ ये देखो भाई साहब, तो मैं एक सोनिक ट्रांसफॉर्मर क्रिस्टल के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ भाई, ये तो काफी ज्यादा कूल है। और देख रहे हो आप लोग, ओ ये भाई साहब कितनी ऊंची ऊंची जंप लगा पा रहे हम लोग। अरे तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। तुम में से आज जो भी आज खतरनाक वाला रैंप चैलेंज जीतेगा उसे मिलने वाला एक बड़ा वाला क्रिस्टल। मैं एक सुनार हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी क्रिस्टल्स है, इसलिए मैं तुम्हें भी दूंगा एक क्रिस्टल। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर हम तीन लोग आए हैं उस क्रिस्टल को जीतने के लिए, अल्ट्रोन, स्पाइडरमैन और मैं। और तुम्हें यहाँ से इनमें से एक गाड़ी लेनी है जो भी तुम्हें पसंद आए, मेरी मतलब की नहीं है, तुम्हें जो पसंद आए उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है फुल स्पीड में। बहुत बड़ा रैम चैलेंज है भाई, बहुत पैसे फूके हैं, तो अच्छे से रैम चैलेंज खेलना। अगर तुम में से जो कोई भी हारेगा तो समझो वो तो मारा ही जाएगा। मरेगा तो नहीं, नीचे पानी है। अरे हाँ जो भी कुछ है, तो उसके बाद तुम यहाँ पहुंचोगे, उसके बाद यहाँ से तुम्हें जेट स्की लेके यहाँ लास्ट में पहुंचना है, जो पहुंचेगा उसे मिलेगा ये वाला बड़ा क्रिस्टल। आइला ये क्रिस्टल तो मेरे को ही चाहिए, मम्मी ने बोला है कि क्रिस्टल लेके आना। हैं तेरी मम्मी ने क्रिस्टल क्यों मंगाया स्पाइडरमैन? आइला क्योंकि मम्मी को क्रिस्टल बहुत ज्यादा पसंद है, अगर मैं मम्मी को क्रिस्टल लाके दूंगा तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ये क्या अजीब बात है यार। आइला और क्या, मेरी मम्मी मेरे को खाने को रोटी नहीं देती, अब मैं क्रिस्टल दे दूंगा ना मम्मी को तो मेरे लिए मस्त मस्त चीजें बनाएगी। अबे भाई ये तो अलग ही नशे है भाई तेरे। अरे ये क्या, अरे गाड़ी कितनी खराब है, हारी गया मैं तो इससे बेकार गाड़ी। अरे उसके लिए तुम्हें टैलेंट होना चाहिए, गाड़ी चलाना भी एक टैलेंट है, मैं एक बहुत ही अच्छा पायलट हूँ, समझ में आया तुम्हें? अब वो पहली चीज, गाड़ी चलाने वाला कोई पायलट नहीं होता, एरोप्लेन जो उड़ाता वो पायलट होता है, गाड़ी जो चलाता उसको पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तू बता दे। गाइस यार मुझे तो पता है कि जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं, पर तुम लोगों को पता नहीं पता है, वो भी मेरे को पता होना जरूरी है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ जो गाड़ी चलाता है उसका नाम क्या होता है, जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अरे तुम बकवास कर रहे हो, पायलट ही बोलते हैं। अबे पायलट नहीं बोलते ना, जब एक बार तेरे को बताया ना मैंने अल्ट्रोन। अरे पायलट बोलते जब मैंने बोला ना। गाइस यार बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, आखिर यार जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? अरे चलो छोड़ो, मुझे तुम्हारे ऊपर ये, मुझे तुमसे इस चीज के ऊपर बहस ही नहीं करनी है, मुझे तो वो क्रिस्टल चाहिए। अबे तेरे को क्रिस्टल क्यों चाहिए वैसे अल्ट्रोन? अबे तुम्हें पता नहीं है क्या यार, क्रिस्टल के अंदर मैं बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता हूँ और फिर वो टूटेगा भी नहीं। अगर एक बार मुझे वो क्रिस्टल मिल जाए तो उसके अंदर मैं इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करूंगा कि मैं पूरे लॉस सेंटोस को तबाह कर दूंगा। अबे यार मतलब तेरे को हमेशा तबाह करना, उड़ाना, फोड़ना यही दिखाई देता है क्या? और मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा यही मकसद है। अच्छा तेरा तोड़ने फोड़ने का ही मकसद है?
हाँ मेरा यही मकसद है, एक बार मैं पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर दूँ, फिर मैं आयरन मैन से बदला लूंगा मेरी बेइज्जती का। अबे तू ढंग से गाड़ी चला रही, जो तेरे से बिल्कुल भी नहीं चल रही। अबे क्या कर रहा है, दूसरे मॉन्स्टर ट्रक में क्यों ठोक रहा है? अरे तुझसे क्या लेना देना, तूने लगाए हैं कई रैम चैलेंज के अंदर? मैंने नहीं लगाए हैं, पर तू उन चीजों को तोड़ देगा तो मैं कैसे जीतूंगा फिर? अरे जीतूंगा तो मैं, तुझे क्या लगा कि वो तुझे क्रिस्टल मिलने वाला है? भूल जा, सपने में वो क्रिस्टल सिर्फ मेरा है। भाई सर ये तो सेमी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, इसको लगता है कि यही जीतेगा। ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा। अबे भाई तेरी ऐसी, भाई तू हारेगा, बहुत गंदी तरह हारेगा तू। अबे तू होता कौन है मेरे को हराने वाला, ये देख। अबे भाई ये तो सेमी काफी अच्छा कर रहा है यार, अगर ये जीत गया तो समझो तुम्हारे भाई को क्रिस्टल नहीं मिलेगा। मैंने भाई कितने सारे क्रिस्टल्स को टच किया यार, जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं यार, अपने आप को अपग्रेड करते करते। अगर लास्ट में आके अगर मुझे वो अपग्रेड नहीं मिला तो भाई सब एमी मेरे को कभी प्यार नहीं करेगी। और ये देखो यहाँ पर ये डिस्क्वालीफाई हो गया। नाइस। अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ? चलो गाइस अब तुम्हारे भाई की बारी है, और यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मर क्रिस्टल सोनिक ये रैम चैलेंज जीतने वाला हूँ। भाई सब एक बात बताओ ना, क्रिस्टल के अंदर चेंज होने के बाद मैं काफी ज्यादा अजीब लग रहा हूँ। मेरे को नहीं पता यार आखिर एमी रोज को क्या पसंद है क्रिस्टल, वरना मुझे तो यार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हूँ यार। मैं कितना ज्यादा अजीब लग रहा हूँ यार। लड़कियों के भी अलग अलग शौक है, पता नहीं कभी उनको डायमंड पसंद आता है, कभी उनको गोल्ड पसंद आता है, कभी उन्हें क्रिस्टल पसंद आता है, कभी उन्हें रूबी पसंद आता है, और उनके लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है यार। क्या ही बताऊं तुम लोगों को। बस एक बार मैं यहाँ पर जीत जाऊं उसके बाद मजा आ जाएगा, क्योंकि एमी रोज मेरी हो जाएगी। और यार वो वैनम का बच्चा, उसे छोड़ूंगा नहीं यार, वो हर बार कुछ ना कुछ लेके आ जाता है, जिससे यार मेरी गर्लफ्रेंड उससे दूर चली जाती है। कभी वो कुछ लेके आता है, कभी वो कुछ लेके आता है, पर आज उसका मैं पत्ता काट दूंगा। एक बार मैं अपनी एमी को वापस ले पालू तो भाई मैं उसको लेके यहाँ से दूर चला जाऊंगा, कि और कोई उसको अट्रैक्ट ना कर सके, मुझसे दूर ना कर सके। तो भाई साहब यहाँ पर हम लोग पहुंच के, ये देखो ये रही अल्ट्रॉन की गाड़ी। अब यार अल्ट्रॉन को पिंक कलर पसंद है क्या, जो पिंक कलर की गाड़ी लेके आया है, पता नहीं। चलो जल्दी जाके एक मॉन्स्टर ट्रक लेता हूँ, कितना लंबा भागना पड़ेगा। तो भाई साहब मैंने यहाँ पर लिया 6 टायर्स वाला ये खतरनाक वाला मॉन्स्टर ट्रक, काफी कमाल का है। तो ये हम लोग चले इस मॉन्स्टर ट्रक को लेके। हट जाओ यार, यार ये मॉन्स्टर ट्रक इतने अजीब कलर का क्यों है? देखो इसके टायर ब्लू है और ये ऊपर का स्काई ब्लू है। अबे कोई जोकर का ट्रक है क्या यार? मतलब मैं इसको चलाऊं तो मैं भी जोकर हुआ? अबे नहीं 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 यार, मैं जोकर नहीं हूं ना, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर, हम लोग जोकर नहीं है। और आप लोग जल्दी क्या कर रहे हो यार, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार विन, जिससे मैं यहाँ पर जीत जाऊं और भाई मेरे को एमी रोज के लिए वो रूबी मिले, जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। बस यहाँ से थोड़ा सा और घुमाना है मेरे को। नाइस। अब यहाँ से धीरे लेके जाना है। यहाँ पर भाई अल्ट्रॉन ने बहुत बड़ी गलती की थी, उसने इतनी ज्यादा तेज लेके गया था वो, कि भाई उसका ट्रक उड़ी गया था। पर मैं भी यहाँ पर तेजी लेके जाने वाला हूँ। ओए ये तो कुछ ज्यादा ही तेज हो गया, इस पे से कूदो भाई। ओए पैराशूट खुल जा। बच गया भाई, मैं सही एक टाइम पे कूद गया, वरना मैं भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होता यार, इतनी दूर जाके गिरता ना। कोई बात नहीं, अब मेरे को यहाँ पर क्या लेना है? ओए यहाँ पर इतनी सारी बाइक्स है यार, अब मेरे को बाइक से ट्रैवल करना है। तो यहाँ पर मैं रेड कलर की बाइक लूंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई रेड है, तो बाइक भी हम लोग रेड ही लेंगे। तुम लोग बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से, ठीक है? जल्दी जल्दी बताया करो जो भी मैं पूछा करूं। अब मेरे को यहाँ पर आराम से जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है रैम चैलेंज। देख रहे हो कितनी ज्यादा नैरो जगह है, अगर थोड़ा सा टायर इधर उधर गया तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा, और मैं बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकता, इतनी आगे आके मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। और ये बिल्कुल परफेक्टली हम लोग जाए जा रहे हैं, एकदम नाइस। और ये नीचे उतार के हमने बाइक एकदम परफेक्टली। अब यहाँ से कंट्रोल में जाना है, अभी आगे क्या करना है मेरे को? ओ यहाँ से शायद मेरे को स्पीड में लेके जानी है अपनी बाइक, बिल्कुल भी धीरे नहीं करना है, क्योंकि यार सामने मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और नीचे है पानी, तो मेरे को यहाँ से जंप लेनी होगी। ओ ये क्या, यहाँ पर ये व्हेल्स क्या कर रही है भाई, कितनी सारी व्हेल्स थी वहां पर। ओ ये देखो, ए कूदो। बच गया भाई, बाइक नीचे चली गई, तुम्हारा भाई बार बार बचा, अगर मैं नहीं कूदता तो फिर से डिस्क्वालीफाई होता, होता बच गया भाई, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता। अब मेरे को इस तरफ जाना है, वो तो सही है मेरे पास सुपर जंप है यार, जिससे मैं उछल के इस साइड आ गया। ओ ये देखो हम लोग फाइनली फिनाले में पहुंच चुके हैं, बस यहाँ पर मेरे को आके जेट्स की लेनी है, जैसा उस बंदे ने बताया था मेरे को, वो सुनार ने, कि उसके पास ये जेट्स की इसे लास्ट में पहुंचना है। अब क्या है, ऑन नहीं हो रही, अरे नीचे आ गई। चलो बस ये लास्ट का थोड़ा सा और कंप्लीट करना है, उसके बाद मेरे को वो रूबी मिलेगा और मेरी एमी मेरे पास वापस आ जाएगी। अरे धीरे धीरे, अरे क्या यार घटिया चीज है यार ये, छी यार, गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, पर ये बोट चलाना एकदम बेकार है। देखना इतनी ऊंची ऊंची लहर बन रही है यार, ऊपर से इसके अंदर इतनी पावर भी नहीं है, देखो कितनी ज्यादा स्लो है। अबे जल्दी चल दे यार, मेरे को जीतना है, थोड़ा सा और, अबे भाग लेना, थोड़ी तेज, पावर ही नहीं है इसके अंदर तो बिल्कुल ही। ओए ये क्या, अभी एक और बच रहा है क्या यार? मेरे को लगा मैं जीत गया, पर यहाँ पर अभी एक और बार ये व्हील आ गया,
डिस्टर्बिंग है बहुत ज्यादा ये व्हील सही में, दिमाग खराब हो रहा है। गाड़ी है, ये बोट भी एक बेकार एकदम टटी है यार सही में, कूड़ा है कहीं का। चल ओए बस पहुंच गए, आ यार छी पहुंच गए चलो यार फाइनली। तो यार कितना दिमाग खराब हो गया लास्ट में आते आते, पूरा रैंप चैलेंज ने मस्त तरीके से किया तुम्हारे भाई ने। अब यहाँ पर बस मुझे इस रूबी को टच करना है, लेट्स अपग्रेड। वाओ ये देखो फाइनली मैं हो चुका हूँ अपग्रेड एक क्रिस्टल सोनिक गॉडज़िला के अंदर। और भाई ये तो एमी को जरूर पसंद आएगा क्योंकि मैं पूरा क्रिस्टल का जो बन चुका हूँ वो भी इतना ज्यादा बड़ा है ना कमाल का। ओ ये देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ मैं। चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी से एमी के पास। एमी ये देखो तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। अरे इतना बड़ा क्रिस्टल, अरे ये क्या है इतना बड़ा क्रिस्टल। ये ले वैनम के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं वैनम, तेरे को मैं तबाह कर दूंगा। तो गाइस यार यहाँ पर वैनम में मैंने आग लगा के वैनम को कर दिया तबाह, और ये लास्ट में बम और फाड़ दिया खतरनाक वाला। अरे वाह तुम क्या खतरनाक अपग्रेड लेके आए हो सैमी, आई लव यू, मुझसे गलती हो गई, तुम सबसे ज्यादा ओपी हो। तो गाइस यहां पर मेरी एमी मेरे पास वापस आ चुकी है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी मेक श्योर टू लाइक करते हैं चैनल पर, पहली बार भूले बैठ कहता हूं चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में नेक्स्ट के साथ, जब तक लिए सायोनारा। We're just getting started, I know that you want it, baby, just get on it, ready.